टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सराफा थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से सोने की चेन अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया। मामले में सराफा थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सराफा थाने पर आकर एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि बाजार में खरीदारी करने के दौरान गोपाल मंदिर के पास उन्हें महसूस हुआ कि उनके गले में पहनी हुई सोने की चेन गायब है। अज्ञात बदमाश उनके गले से सोने की चेन चुरा कर ले गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए जहां जहां महिला खरीदारी करने गई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हालांकि अभी तक चेन चोरी होने की घटना का फुटेज पुलिस को नहीं मिला। सराफा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये करीब 4-5 दिन पहले की घटना है। एक महिला थी, वो अपने शॉपिंग के लिए सराफा के बाजार में आई थी और उसी दौरान उसने देखा गोपाल मंदिर के पास में कि उसकी चेन नहीं है, तो उसको ऐसा आभास हुआ कि किसी ने चेन उसकी निकाल ली है। तो पुलिस ने ये, चूँकि उसकी चेन गुम गई थी और उसको ऐसा शक था, तो पुलिस ने धारा 379 का एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। ये बात सही है आपकी कि काफ़ी स्थानों पर कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस द्वारा उन सभी स्थानों पर जो महिला ने बताए थे, जहाँ पर उसको मालूम पड़ा कि चेन नहीं है, उन सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसके चेन निकालते हुए अभी तक नहीं पाया गया है। हम उसके जिस इलाके से भी और भी गई थी तो वो सब स्थानों को भी देख रहे हैं। और सराफा की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि सराफा काफ़ी हमारा प्रयास है। अभी पिछले कुछ दिनों में निहालपुरा और बजाज खाना और पीपली बाज़ार, इन सभी जो तंग गलियाँ थी और लोग अपनी दुकानों पर अतिक्रमण किए हुए थे, तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम की एक अभियान चला था और अभियान भी अभी भी चालू है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्थित हो, सब लोग पार्किंग के स्थानों पर पार्किंग करें, जिससे कि जो भी बाहर के लोग शॉपिंग करने आते हैं, खासकर महिलाएं वहाँ पर काफ़ी आती है, तो उनको भी एक अच्छा माहौल मिले। गुंडे बदमाशों है उनको भी हम नज़र रख सकें। कैमरे हमने लगाए हैं और भी हमारा व्यापारियों से भी हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने प्रयासों से भी प्रशासन की और पुलिस की इस मुहिम में समर्थन दे। उन महिलाओं को किसी प्रकार की इमरजेंसी या किसी वारदात हो वो तत्काल पुलिस से संपर्क कर सके, सहायता मांग सके, इसको लेकर भी एक सराहनीय पहल की गई है सर, उसको लेकर? बिल्कुल, ये चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं आती है या परिवार के साथ लोग शॉपिंग करने आते हैं। बाज़ार बहुत पुराने एक ट्रेडिशन है इंदौर का कि सराफा बाज़ार में लोग शॉपिंग करने आते हैं, और लेकिन सुरक्षा दे इसके लिए भी जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है। तो वहाँ पर हमारा जो प्रयास है कि हम बहुत सारी जगह पर लगभग हर 100 मीटर पर हमारा एक प्ले कार्ड रहेगा जिस पर थाने का नंबर और जो थाना प्रभारी का नंबर वो सब रहेगा, और उन स्थानों पर जहाँ पे अभी कैमरे नहीं है वहाँ पे हम कैमरे लगवा रहे हैं। तो मेरा अगेन मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि इस पुलिस की इस पहल में आप लोग आगे आइए, और आप लोग जब आपके जो कैमरे लगे हुए हैं, कुछ स्थानों पर कैमरे लगे हुए हैं। टाइम न्यूज़ देखिए।